गैस तो हम देखते हैं 3.6 का क्वेश्चन सेकंड का पार्ट थर्ड, ठीक है। तो देखो इसमें हमसे उसने क्या कह रखा है, कह रहा है कि रोही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि रोही जो है, रोही इस एक जगह से, ठीक है, मतलब कि क्या करती है वो, एक जगह से वो अपने जब घर तक जाती है, ठीक है, यहाँ से मान के चलो वो अपने घर तक जाती है, जो रोही है वो जाती है अपने होम तक, ठीक है। तो जब वो अपने होम तक जाती है तो वो पार्टली जाती है, देखो कह रहा है कि रोही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस, ठीक है। कह रहे कि रोही जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है वो है 300 किलोमीटर, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। उसने कह रहे कि आधा जो जाती है ना वो पार्टली जाती है ट्रेन से और पार्टली बाय बस, ठीक है, तो ट्रेन और प्लस बस, ठीक है, ऐसे जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सी टेक्स, उसके उसने बता रखा है कि सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। कह रखा है कि अगर अगर वो 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन जाती है, ठीक है, तो देखो 60 किलोमीटर ट्रेन जा रही है तो 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर की से बस जाएगी, 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाए तो 240 किलोमीटर बस ही जाएगी ना वो, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ जाने में वो जो टाइम लेती है वो लेती है, हमारे पास कितना है, वो 4 आवर ले रही है, ठीक है। फिर इफ़ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, ठीक है, फिर उसने बता रखा है कि वो उसी सेम प्लेस से यहाँ पर अपने होम तक जाती है, ठीक है, डिस्टेंस में पता है 300 किलोमीटर है। तो उसने बता रखा है कि जो ट्रेन से जब वो जा रही है, ट्रेन से जा रही है तो जा रही है 100 किलोमीटर, ठीक है, और प्लस फिर बस से कितना जाएगी, 200 200 किलोमीटर जाएगी, ठीक है, जो जो बस से जाएगी तो 200 किलोमीटर जाएगी। तो उसने यही बता रखा है, देखो इतना तो उसने अभी तक क्वेश्चन में कह रखा है, बाय ट्रेन फिर क्या, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। देखो कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन में कह रखा है रूही यहाँ से अपने घर तक जाती है, ठीक है, तो वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, 240 किलोमीटर क्या बस से जाती है, और टाइम कितना लेती है, इन दोनों में टाइम ले रही है वो ले रही है 4 आवर्स ले रही है, ठीक है। उसके बाद जो है जो फिर इसमें जाती है वो, ठीक है, तो 4 आवर्स और प्लस में 10 मिनट एक्स्ट्रा लेती है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें क्या रखा है, फिर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। तो देखो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, हमें बस की और ट्रेन की स्पीड पता लगाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो स्पीड है लेट करते हैं, ठीक है, हमें ट्रेन की और बस की स्पीड पता करनी है, तो पहले लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, लेट स्पीड ऑफ बस बी वाई, ठीक है। जो मेरे पास ट्रेन की स्पीड मैंने एक्स लेट कर ली है और जो फिर जाके बस की स्पीड है उसे वाई लेट कर ली है। तो देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं लाइन बेस पे करते हैं और टाइम वाले फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू जो जो टाइम आता है, कैसे आता है फॉर्मूला, डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड, ठीक है, ये फॉर्मूला है, जो टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है। तो देखो वो जो टोटल टाइम उसने कैसे लिया होगा, जब वो जो रोही है अपने घर पे जब गई होगी, तो पहला टाइम टेकन जो उसने टाइम जो ट्रेन ने टाइम लिया है, ठीक है, ट्रेन टाइम और प्लस बस का टाइम, ट्रेन का टाइम और प्लस बस का टाइम इज इक्वल टोटल टाइम होगा, ठीक है। तो देखो जो उसने ट्रेन से जो टाइम लिया है, हम क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है,
तो देखो टाइम क्या है, मेरे पास जो टाइम आएगा वो ऐसा डिस्टेंस अपॉन माय स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस सबसे पहले क्या है हम देखते हैं ट्रेन से, ठीक है। ट्रेन से जो उसका डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी है ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड है वो मेरे पास एक्स है, ठीक है। उसके बाद प्लस, और उसके बाद जो अगला डिस्टेंस है उसका जो बस है 240 है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है वाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरे पास, जो टोटल टाइम है वो 4 आवर लग रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई मेरी, ठीक है। ऐसे जब वो दूसरी टाइम है, ठीक है, कह रहे कि अगर वो हमारे पास क्या है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो 100 अपॉन में एक्स स्पीड ट्रेन की और प्लस, ठीक है, जो फिर क्या मेरे पास 200 है और अपॉन में वाई। देखो जो सेकंड केस है, फर्स्ट केस में तो वो 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, 240 बस से, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला है, अगला क्या है, 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और 200 किलोमीटर बस से जा रही है, तो क्या करूँगा यहाँ पे, 100 किलोमीटर और 200 और अपॉन में वाई इज इक्वल टू, इसमें जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है, 4 आवर और प्लस में 10 मिनट है, ठीक है। तो देखो इस 10 मिनट को मुझे क्या है 4 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो इसे मैं सॉल्व कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं जो है 4 आवर को, 4 आवर को मैं कन्वर्ट कर दूँगा पहले मिनट में, ठीक है। तो देखो कभी भी जो हम आवर से मिनट में जाते हैं तो आवर को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 × 60 इज इक्वल टू 620, मेरे पास क्या है 240 मिनट आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितना टाइम ले रही है, 240 मिनट और प्लस 10 मिनट, ठीक है, ऐसे ले रही ना वो 240 मिनट और प्लस 10 मिनट, तो कितना आ जाएगा 250 मिनट आएगा। अब क्या मैं दोबारा से मिनट से आवर्स में चलाता हूँ, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन है वो जितने भी हमारे पास वैल्यू है वो क्या है मेरे पास आवर्स में, तो इसे मैं आवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जब इसे मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो देखो मिनट से जब भी हम आवर में जाते हैं, ठीक है, तो मिनट को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 60 से, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा 60 से, तो मेरे पास जो कितना आवर आएगा 0 से 0 25 अपॉन में 6 आवर आएगा, ठीक है, ये कर दिया। अब देखते हैं इसके आगे, तो देखो मैं इसके बदले क्या लिखूंगा, मतलब 4 आवर और प्लस में 10 मिनट, इसके 25 अपॉन 6, ये लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो देखो अब क्या मैं इक्वेशन को सिंपलीफाई करता हूँ, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास 60 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो देखो मैं 60 और अपॉन में x को ऐसे लिख सकता, मैं 60 अलग और 1 अपॉन में x को अलग प्लस 240 अलग 1 अपॉन में y को अलग इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी ले लेता हूँ, और जो 1 अपॉन वाई है उसको मैं क्यू, ठीक है। तो देखो क्या आएगा मेरे पास 60 पी प्लस 240 क्यू इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब वैसे मैं इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ, ठीक है, तो जो इक्वेशन सेकंड है वो मेरे पास है 100 अपॉन में एक्स प्लस 200 अपॉन में वाई इज इक्वल टू 25/6, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 1 अपॉन में एक्स और प्लस फिर आए क्या मेरे पास 200 1 अपॉन में वाई इज इक्वल टू 25/6, ठीक है। फिर क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जो है सिंपल सब क्वेश्चन यह आ जाएगा 100 पी प्लस 1 अपॉन एक्स के पी ले लेना, फिर 200 क्यू इज इक्वल टू 25/6। अब देखो मैं जो मेरे पास जैसे मान लो ये डिवाइड में 6 है,
ठीक है, इस साइड आकर मल्टीप्लाई में जा सकता है। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इस साइड जो मेरे पास डिवाइड में है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है आराम से, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, मैं 600p, 6 को मैं 100 से करूँगा 600, और प्लस 6 to 12, ठीक है। तो 1200q इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब मेरे पास क्या, देखो ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्या है, इसको ना जो हमारे पास है किसी मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 25/6। ये एक जो हमारे पास सिर्फ ये जो है यहाँ पे है 4, ठीक है, 4 है ये इक्वेशन फर्स्ट है। और जो इक्वेशन सेकंड है वो है 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन सेकंड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों को क्या है कि किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारे पास पी और क्यू की वैल्यू आएगी उसको इसके इक्वल रख देना, तुम्हारा क्या आंसर अपने आप आ जाएगा। गाइस देखो, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।